Myself, Naresh Kumar Meena. I am assistant professor from Biani Girls College, Jaipur. Hello friends, we will discuss today now, topic is my map projection. What is the map projection? Map projection is the broad concept to be based on a lat long feature imaginable baseline on the globe. जैसा कि आप जानते हैं कि मैप प्रोजेक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ी, लोकेशन आइडेंटिटी के लिए ऑल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ या फीचर्स को देखने के लिए अंशांश और देशांतर रेखा और रेखाओं के लिए एक बेस्ट लोकेशन आइडेंटिटी होती है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ. पोजिशन ऑन ए मैप, ऑन ए ग्लोब, जो भी अंशांश और देशांतर रेखाओं का जो पृथ्वी के ऊपर ग्रिड बना हुआ है उसे प्रोजेक्शन कहा जाता है. और इसी प्रोजेक्शन को अगर मैप पे बेस कर दिया जाए या मैप पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसे कहते हैं मैप प्रोजेक्शन. सर, मैप प्रोजेक्शन तीन तरह का होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैप है वो है कॉनिकल शेप प्रोजेक्शन, लाइक इन शेप ऑफ द कॉनिकल शेप वी कैन यूज कॉनिकल शेप प्रोजेक्शन. मोस्टली is used on polar areas like a north pole and south pole. Polar regions, conical shape या शंकु आकार प्रक्षेप का जो मेन मैथ या उद्देश्य है उसे conical shape projection. जो polar area वाले इलाके हैं उनको mention करने के लिए best and important projection है conical shape projection. दूसरा आता है सिलेंड्रिकल शेप प्रोजेक्शन, जो कि इक्वेटर वाले इलाका 23.5 साउथ एंड नॉर्थ वाले इलाके को भी परफेक्ट कनेक्टेड करने के लिए जो प्रोजेक्शन अपने यूज़ किया गया है वो है सिलेंड्रिकल शेप या बेलनाकार. और तीसरा जो प्रोजेक्शन होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को शो करने के लिए जो सबसे बेहतरीन प्रोजेक्शन यूज़ किया जाता है उसे खमद प्रोजेक्शन या जेनेथियल प्रोजेक्शन कहा जाता है. तो बात प्रोजेक्शन की है कि पृथ्वी के ऊपर जो इमेजिनेबल बेसलाइन या काल्पनिक रेखाओं का जाल जो बना हुआ है उसे प्रोजेक्शन कहते हैं. प्रोजेक्शन के यूज़ हैं, प्रोजेक्शन का सबसे बेहतरीन इम्पोर्टेंस जो है वो है लोकेशन आइडेंटिटी. नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सपोज दैट इंडिया एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है, मतलब इंडिया में कि इंडिया के परफेक्ट दो भागों में डिवाइड किया गया है. जो बेस लाइन है, जो देशांतर है वो 82.5 डिग्री इलाहाबाद के पास नैनी से गुजारा गया है, जो इंडिया के मतलब मैप को परफेक्ट दो भागों में विभाजित करती है. तो प्रोजेक्शन का बेस्ट लोकेशन आइडेंटिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी देश का आपको अगर लोकेशन जाननी है कि US नॉर्थ रीजन्स में है या साउथ रीजन्स में है तो आपको भी लोकेशन के लिए प्रोजेक्शन की एक बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए. जब वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको पता है कि जो 0 डिग्री अंशांश, जो ग्रीन बीच मेन टाइम जो है, जो इंग्लैंड के ग्रीन बीच शहर से निकाली गई है, जो भी पूरे पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट पोजीशन में डिवाइड करती है. एक मैप की पोजीशन होती है, कोई भी मैप को अगर आपको ढंग से जानना है, पहचानना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ लोकेशन की बहुत जानकारी होनी चाहिए. और ईस्ट जो पोजीशन होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये लोकेशंस के लिए मायने रखते हैं. जैसे इंडिया है परफेक्ट नॉर्दर्न गोलार्ध में है, नॉर्थ से मतलब नॉर्थ ईस्ट. एंड USA परफेक्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ अमेरिका परफेक्ट साउथ वेस्ट पोजिशन, साउथ अमेरिका. एंड ऑस्ट्रेलिया परफेक्टली साउथ ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये पहचानने के लिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में किस देश की कहाँ लोकेशन है, आइडेंटिटी
सपोज दैट अगर आप लोग समुद्र में यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लोकेशन का आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का नहीं पता था, लेकिन जब से डायनामाइट्स का आविष्कार हुआ है आइडेंटिफाई हो जाता है कि नॉर्थ रीजन्स में जा रहे हैं या साउथ में है या आपकी लोकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहाँ पे है। एक इंस्ट्रूमेंट आता है GPS, GPS एक सुदूर संवेदना प्रणाली बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को डिफाइन करता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप कहीं पे भी पूरे विश्व में कहीं पे भी हो, लेकिन ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपके लॉट लेट और लॉन्ग के बेस पे बता सकता है कि पृथ्वी पे आप लोग कहाँ पे और किस पोजीशन में हो। तो ये प्रोजेक्शन की जरूरत इसीलिए है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपकी पृथ्वी पर जो भी इमेजिनेबल बेस लाइन बनी हुई है वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, और आपको पता है कि जो भी 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ इवन पोलर एरियाज, 0 डिग्री 23 एंड हाफ, 0 डिग्री 23 एंड हाफ नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन जस्ट लाइक इन इक्वेटर एरिया एंड पोलर रीजन्स एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये प्रोजेक्शन इसी के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी वर्ल्ड में लोकेशन आइडेंटिटी के लिए हर चीज़ को अपने इंपॉर्टेंस के बेस पे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। जैसे कि कॉनिकल से प्रोजेक्शन है, ये परफेक्टली जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो भी पोलर एरियाज हैं उनको शो करने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोजेक्शन माना जाता है कॉनिकल से प्रोजेक्शन। इक्वेटर में 23 एंड हाफ नॉर्थ 23 एंड हाफ साउथ वाली पोजीशन में आपको शेप ऑफ सिलेंड्रिकल पोजीशन बेलनाकार प्रोजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एंड थर्ड जो पोजीशन है वो है पोलर एरियाज, जिसे जेनेथियर कहा जाता है। तो ये प्रोजेक्शन के बेस पे पूरे पृथ्वी को डिफाइन किया गया है कि 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ, ईस्ट 0 डिग्री और वेस्ट 0 डिग्री, ये परफेक्ट बेसलाइन साउथ अफ्रीका के गिन की खाड़ी में दोनों बेसलाइनों का मर्ज लेवल है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोजेक्शन का इम्पोर्टेंस लोकेशन आइडेंटिटी के लिए सबसे बेहतरीन यूज़ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी पोजीशन को जांचने के लिए GPS सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड प्रणाली है जो सुदूर संवेदना प्रणाली के बेस पे वर्क करती है। तो ये आप लोगों को मैप प्रोजेक्शन के माध्यम से लोकेशन, हाउ टू बी नीड ए लोकेशन आइडेंटिटी प्रोजेक्शन, जो पृथ्वी के ऊपर जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो ग्रिड बना हुआ है उसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। प्रोजेक्शन के आपको पता है कि तीन टाइप्स होते हैं, इसमें टाइप्स के बेस पे भी तीन तरीके से डिफाइन किया गया है, एरियल एक इक्वल एरिया डिस्ट्रीब्यूशन एंड परफेक्ट सिंगल एरिया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई भी लैट लॉन्ग को देखने के लिए आपको सबसे पहले उसके अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जांचना बहुत जरूरी होता है। आपको मालूम है कि जो भी एटलस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो या ईस्ट हो या वेस्ट हो या लोकेशन में पोलर एरिया हो या इक्वेटर बेल्ट हो या फिर जो भी पृथ्वी के ऊपर ये ग्रिड बेस बनाया गया है उसको जांचने के लिए सिंपल आपको प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ती है। और प्रोजेक्शन के लिए आपको बताया कि जितनी भी पृथ्वी पे बेस लाइन बनाई गई हैं ये सब काल्पनिक रेखाएँ हैं जो कि एक थीम बेस्ड है कि 0 डिग्री परफेक्ट नॉर्दर्न हेमोस्फेयर नॉर्थ होता है और 0 डिग्री साउथ परफेक्ट साउदर्न हेमोस्फेयर। ये आपको पता है कि परफेक्ट जो नॉर्दर्न हेमोस्फेयर है वो लैंड हेमोस्फेयर कहा जाता है और जो साउथ का है उसे ओशन हेमोस्फेयर या जल या वाटर हेमोस्फेयर कहा जाता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी पोलर रीजन्स हैं या इक्वेटर बेल्ट है या फिर पोलर एरिया है आपको प्रोजेक्शन के बेस पे ये आइडेंटिफाई होना जरूरी है कि किस एरिया के लिए कौन सा प्रोजेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसके उपयोग क्या है और उसका इम्पोर्टेंस एक आम इंसान को अगर अवेयरनेस दी जाए कि आप अगर अपनी लोकेशन आइडेंटिटी के बेस पे ये आपको डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहाँ पे एग्जिस्टेंस करते हैं। आपको पता है कि इंडिया में जो टाइम बेस लाइन जो फिक्स किया गया है, हालांकि अभी दो टाइम बेस लाइन जोन करने फिक्स करने की बात इंडिया गवर्नमेंट के माइंड में विचार आया है कि जो भी, क्योंकि जब इंडिया में सनराइज होता है अरुणाचल प्रदेश में तो वहाँ पे वहाँ से लाकर और गुजरात तक दो घंटे का टाइम वेरिएशन होता है, तो उस टाइम वेरिएशन को मर्ज करने के लिए वो दो मतलब देशांतर रेखा है मर्ज करने की बात इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर टाइम
कौन सी कंट्री में कौन सा कब कितना टाइम हो रहा है, वो भी आप प्रोजेक्शन के बेस पे ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई भी, जैसे इंडिया का टाइम है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे ज़्यादा, मतलब जब भी आपको पता है कि जो बेस्ट पोजीशन पे जाने पर घंटों का जो टाइम होता है वो गिरता जाता है और ईस्ट पोजीशन पे आने पर वो बढ़ता जाता है। जैसे कि इंडिया का जो टाइम है, अगर इंग्लैंड के अंदर 12 बज रहे होंगे तो इंडिया के अंदर 5:30 बजते हैं। तो इस बेस पे आपको हर कंट्री का एक लेट लॉन्ग फिक्स होता है। वैसे आपको बताऊँ जनरल अवेयरनेस के लिए कि रशिया के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड में 11 टाइम जोन पहले थे, उनको मर्ज करके 9 बना दिया गया है और सबसे ज़्यादा टाइम जोन रशिया में पाए जाते हैं। दूसरी नंबर की पोजीशन US अमेरिका में आती है, हालांकि इंडिया में भी इनको बढ़ाने की सोच रहे हैं लेकिन अभी तक ऐसा कुछ विचार नहीं आया है। तो ये प्रोजेक्शन के बेस पे ये आइडेंटिफाई करना है किस कंट्री में, अगर सपोज दैट आप एक एग्जांपल अगर आपको दूं कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में 5.5 घंटे प्लस करना पड़ता है, और अगर वही 82.5 डिग्री वेस्ट में जाने पर 5.5 घंटे को माइनस करना पड़ता है, उसके बाद आपको टाइम जोन का टाइम का पता लगा सकता है। क्योंकि इस पोजीशन से इंडिया से अगर जापान से US जाना हो और ईस्ट पोजीशन में जाना है तो एक दिन पहले ही आपको पहुंच जाते हैं। जैसे कि अगर सैटरडे को चलते हो तो सैटरडे को चलते हो तो शुक्रवार को आप पहुंच जाते हो। अगर आप पूरा पृथ्वी का राउंड लगाने के बाद जापान से US जाते हो तो एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो ये सिर्फ इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है उससे डिफाइन किया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन पूरे वर्ल्ड को अलग अलग पोजीशन में डिवाइड करती है कि जो टाइम डेट है 24 घंटे का उसको ईस्ट और वेस्ट पोजीशन में डिफाइन करती है, जिसमें आपको पता है कि पूरे विश्व स्तर पर जो टाइम जोन का जो फिक्स किया गया है 180 इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको 3 बार उसको मोड़ा गया है, क्योंकि वो हर देश की स्थिति को एक फिक्स करने के लिए उसको 3 जगह से अलग अलग डिवाइडेशन उनका कर दिया गया है। तो ये होती है दरअसल अंशांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। इक्वेटर क्या होता है कि परफेक्ट नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, साउथ पोजीशन को डिफाइन करने के लिए 0 डिग्री अंशांश है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भी 23.5 नॉर्थ में परफेक्ट डिफाइन किया गया है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि परफेक्ट साउथ 23.5 को डिफाइन किया गया। ये इनकी बेस लाइन है जो पूरे पृथ्वी को एक ग्रिड में बांट देती हैं, जो भी अलग अलग नॉर्थ और साउथ पोल की पोजीशन में फिक्स किया गया है कि जो भी, चाहे वो नॉर्थ पोल रीजन्स 90 डिग्री हो, और इसके बेस पे ये ग्रिड भी ये डिफाइन करता है कि पृथ्वी की जो पोजीशन है वो 23.5 पोजीशन मतलब एंगल से झुकी हुई है। तो ये पृथ्वी पे जो भी आपको टाइम जोन का वो करना है, और इक्वेटर पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और यह है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो वहाँ पे इनका टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। लंबे टाइम से अंटार्कटिका पर 4800 मीटर गहराई तक बर्फ जमी हुई है, जो भी एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, और इक्वेटर पे लगातार गर्मी पड़ने से यहाँ का टेम्परेचर भारी रहता है। वो जो एयर जो हल्की होकर नॉर्थ पोल या साउथ पोल में मर्ज होती है वो 23.5 साउथ तक, मतलब उस इलाके में मरुस्थल वाले इलाके पाए जाते हैं। तो वी कैन से टुडे नाउ प्रोजेक्शन व्हाट इज द प्रोजेक्शन, एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट हाउ टू वी नीड अ लोकेशन आइडेंटिटी, एंड थर्ड इज व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। मोस्टली 3 टाइप्स यू नो एवरी बिफोर अवर टाइम आई हैव टू बी मेंशन। तो ये आपको बताने की वजह सिर्फ इतना है कि पूरे विश्व स्तर पर जो मैप को अलग अलग भागों में डिफाइन किया गया है, ये प्रोजेक्शन के बेस पे फर्स्ट कॉनिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप एट जेनिथल, ये पोजीशन पूरे वर्ल्ड को अलग अलग मैप के बेस पे अलग अलग डिफाइन किया गया है। इंटरेस्ट जो मैप होता है वो अपने लॉन्ग स्केल पर बनाया जाता है, तो अपने पर्सनल यूज़ और पर्पज़ के लिए इन प्रोजेक्शन को अलग अलग तरीके से पृथ्वी के ग्रिड के बेस पे डिफाइन किया गया है। आप जान सकते हो कि जो भी लैट लॉन्ग, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये बेस जो बनाए गए हैं, जैसे 66.5 नॉर्थ एंड 66.5 साउथ जो पोजीशन है, इस बेस को डिफाइन किया गया है कि पृथ्वी पे जो भी पोजीशन नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिफाइन की गई है, अंशांश देशांतर रेखा इसकी मेन की हैं जो पृथ्वी पे जाल बनाती हैं, उसे मैप प्रोजेक्शन कहा जाता है। तो नाउ वी कैन से टुडे दिस टॉपिक माई क्लोज। थैंक यू वेरी मच।